दिव्यांगजनों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन परेड मैदान में आज दिव्यांगजनों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। इस दौरान ज्ञापन में बताया कि विशेष योग्यजन पेंशन राशि 750 रुपये से बढ़ा करके 1500 की जाए। आस्था कार्डधारी विशेष योग्यजनों को नगर विकास न्यास द्वारा निःशुल्क मकान दिलवाने, सभी विभागों में रिक्त पदों को विशेष भर्ती अभियान चलाकर भरा जाए एवं दिव्यांगजनों को कियोस्क आवंटन एवं डेयरी बूथ आवंटन कर रोजगार दिया जाए। ये दिव्यांगजन सवाई माधोपुर के दिव्यांगजन थे एवं इस दौरान ज्ञापन में जिला अध्यक्ष विशेष योग्यजन विकास समिति मुरारी लाल बेरवा, अमर सिंह आदि मौजूद थे। सवाई माधोपुर में इससे पूर्व भी विशेष योग्यजन आयुक्त जन सुनवाई कर चुके हैं लेकिन अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। आज श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री जी सवाई माधोपुर पधार रहे हैं, इसलिए आज हमने यहाँ पर हमारी मीटिंग रखी है और मांग ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को देंगे। हमारी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर के ज्ञापन है। हमारी पेंशन 750 रुपये से लेकर 1500 रुपये की जावे और हमारे दिव्यांगजनों को कियोस्क आवंटन और डेयरी बूथ आवंटन करके रोजगार दिलवाया जाए। पंचायती राज चुनावों में विशेष योग्यजनों को 3% आरक्षण की मांग है हमारी और सभी विभागों में जो रिक्त पद है दिव्यांगों के वो विशेष भर्ती अभियान चला करके भरा जावे। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है कि वे हमारी इन मांगों पर गौर फरमाए और इनको पूरी करवाने की कृपा करें। को लेकर ज्ञापन दे रहे हो? हम मुख्यमंत्री को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। हम विशेष योग्यजन विकास समिति से मैं जिला सचिव बोल रहे हैं। पहले भी हमारे आयुक्त साहब उमा शंकर जी शर्मा आए थे और हमने विशेष योग्यजन विकास समिति के सभी सदस्यों ने एक उनको ज्ञापन सौंपा था, उस पर आज तक कोई जन सुनवाई नहीं है। न हमारे जिलाध्यक्ष के पास कॉल आया, न हमारे सचिव के पास कॉल आया। वह हमारे कागजों को रद्दी में जाके पटक देता है। अब तक कोई ये जन सुनवाई नहीं करते हैं। मंत्री जैसे हमारी आवाज़ों को दबाना चाहते हैं, इसलिए हम ये मुख्यमंत्री को और दोबारा ज्ञापन दे रहे हैं इसके बारे में।